तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन आपके अपने चैनल ऑल न्यू कबूतर टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, एक और वीडियो के साथ आपके मैं सामने हूँ। एक और भाई का कमेंट आया है। भाई का कमेंट ये है कि भाई हम कबूतर को दिन में कितनी बार खोले और कितनी बार ना खोले। तो भाई का कमेंट यही है, तो आप लोग स्क्रीन पर जैसे कि देख सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो में इसके ऊपर बनाने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली वीडियो, कितनी बार खोले कितनी बार ना खोले कबूतर इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो भाई मैं चैनल सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना भाई। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई आपका क्वेश्चन ये था कि भाई कबूतर को दिन में कितनी बार खोलना चाहिए और कितनी बार नहीं खोलना चाहिए। भाई आज की वीडियो मैं इस पर बनाने वाला हूँ। तो भाई मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, आपको पिजन से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलती रहेगी इस पर, ठीक है भाई। तो भाई मेरे हिसाब से कबूतर को दो बार खोलना चाहिए, क्योंकि अगर कबूतर प्रॉपर तरीके से नहीं खुलेगा तो भाई इस टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और कबूतर के बीमार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उनकी बीमारी ये लगती है कि भाई उनको उनकी आँख आती है, मुंह आता है और भाई कबूतर सूखे में चला जाता है, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से इनकी केयर ना हो पाए तो भाई कबूतर के बीमार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि गर्मी भाई सबसे ज़्यादा कबूतर बीमार होते हैं, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं यार, मेरा ये कबूतर है बेचारा, ये देखिए भाई, ये बेचारा सुस्त हो गया यार। कम से कम 4-5 साल पुराना कबूतर है, आज तक कभी बीमार नहीं हुआ ये बेचारा, पर इस बार ज़रूर बीमार हो गया, क्योंकि यार इसके नीचे बच्चे थे और बच्चे भी नहीं पलवा रहा, जबकि मैं से यार तब भी सही नहीं हो रहा बेचारा। अब देखते हैं भाई सही होता है नहीं होता। तो भाई अपने कबूतर को प्रॉपर तरीके से ख्याल रखें, अगर वो बीमार होता है तो तुरंत उसका इलाज करें आप। एक दिन का ही मौका ना दें, अगर एक दिन भी भाई ऊँच नीच हो गई तो भाई कबूतर के मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो भाई कम से कम आप अपने कबूतर को दो बार खोलें। भाई मैं तो अपने कबूतर, भाई बात रही मेरी, भाई मैं तो एक ही टाइम खोलता हूँ, क्योंकि भाई सुबह मैं खोल नहीं सकता, क्योंकि यार अगर कबूतर मेरे खुल जाते हैं ना तो भाई शाम से पहले बंद नहीं होते। तो अगर आपके भी कबूतर ऐसा हो, अगर आपको कहीं जाना होता हो या कहीं पे कुछ करना होता हो काम वाम, तो भाई अगर आप सुबह खोलते हो बंद ना होते हो तो भाई ना खोला करें, आप शाम को खोले करें। बट भाई उनको पानी दाना सब दे के, मतलब बाहर ना खोलें और उनको दाना पानी सब दे के फिर चले जाए कहीं जाना हो। भाई मैं तो इसलिए नहीं खोलता क्योंकि हमें छत पे बिल्ली भी आती है और भाई और बार बार इनको देखना पड़ता ऊपर आके, और वैसे ही बच्चों पे है मेरे कबूतर, इसलिए मैं दो बार नहीं खोल पाता। मैं शुरू से ही एक बार खोलता हूँ, अगर आप कबूतर एक बार खोलोगे तब भी सही रहेगा, क्योंकि कबूतर एक बार खोलने में भी फ़ायदे ज़्यादा ही हैं, क्योंकि अब एक बार खुलते हैं तो भाई कबूतर प्रॉपर तरीके से अपना सही गुटकता फुटकता रहता है, मस्ती में रहता है अपना पूरे दिन। अगर पूरे दिन भाई कबूतर खोल दोगे ना तो गंडीपना करता है वो वैसे ही, ठीक है भाई। तो और इनको भाई जो दाना होता है वो दाना वगैरह सब सही दें, क्योंकि भाई इस टाइम दाने में भी काफ़ी ज़्यादा मिलावट वगैरह आती है, तो इसकी वजह से भी कबूतर बीमार हो जाता है। और कबूतर इसलिए बीमार हो रहा है कि भाई इस टाइम वो अपना खाना जो उनका होता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, सही से पचा नहीं पा रहा है, इसकी वजह से बीमार हो रहे हैं। मेरा जो कबूतर है मेरे को भी लग रहा है इसकी वजह से बीमार हो रहा है। तो एक हमारे अंकल जी, उन्होंने दवाई तो बताया है, तो देखते हैं सही होता है नहीं होता, ठीक है भाई। तो आप लोग बता देना कि इसको मैं क्या दूँ, अगर आप लोगों को पता हो करे तो भाई कमेंट्स में ज़रूर लिख दे करें कि भाई इनको क्या दवाई दूँ, अगर आप लोगों को भी पता हो तो। रियल में बहुत ही अच्छा लगता है, कुछ कुछ भाई मेरे को सुझाव देते हैं कि भाई ये गलत था इसमें ये बताया करो, रियल में बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी बता देना इस बेचारे को मैं कौन सी दवाई दूँ, जैसे कि देख सकते हैं, ठीक है भाई। ये हल्का सूखे में आ रहा है, क्योंकि इस टाइम भाई सूखे की बीमारी चल रही है बहुत ज़्यादा, तो देखते हैं ये धीरे धीरे अपने सूखे में चलता जा रहा है, ना दाना खाता है ना कुछ। देखिए दाना मारता हूँ, ये देखिए आपको दिखा भी देता हूँ, आ आओ आओ आओ, ये देखिए उठाने की कोशिश ज़रूर करता पर भाई उठा नहीं पाएगा दाना, ये देखिए बस झुक रहा है, मेरे को दिख रहा है, आई होप कि आपको दिख रहा हो शायद, बस मुँह मारता बेचारा और दाना नहीं उठा पाता। तो फिर मैं इसे रोज़ ही अपने हाथ से चने खिला रहा हूँ। भाई इसी कारण आप अपने कबूतरों को कम से कम भाई दो बार ज़रूर खोलें, वरना एक बार ज़रूर खोलें। और इस टाइम भाई कबूतरों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, क्योंकि भाई इस टाइम गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि भाई कबूतर झेल नहीं पा रहा है इस गर्मी को। और जो ये मौसम के बदलाव है ना, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी बारिश का मौसम हो जाता है, कभी 2-3 बूंद पड़ती है फिर धूप हो जाती है कड़ी वाली, इसकी वजह से हमारे कबूतर पूरे बीमार हो रहे हैं। भाई हमारे कबूतरों को खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, इस टाइम करना क्या है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने कबूतरों का ध्यान रखें, ठीक है भाई। और कबूतरों को भाई बचाव ज़रूर करें, पूरा पूरा कोशिश करें कि भाई कबूतर आपके सुरक्षित रहें। आई होप कि भाई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो भाई आप लोगों को आई होप कि मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। तो भाई मैक्सिमम आप अपने कबूतर को दो या एक बार ज़रूर खोलें। कुछ कुछ हमारे भाई होते हैं कि कबूतर ही नहीं खोलते भाई पूरे, मतलब अंदर ही दाना पानी दे के अपना चले जाते कहीं। भाई ऐसा ना करें, आप अपने कबूतर खोलें, बेचारे को पंछी है भाई वो, उसे भी बाहर निकलने का मौका दें, ठीक है भाई। तो भाई
मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसी आपको रोमांचक वीडियो मिलती रहेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपको मेरे इस चैनल पे पिजन से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है भाई। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बाय बाय, जब तक के लिए इतना ही। और एक बात और भाइयों, मैं आज संडे था, आज मैं चौक पे गया था, सो मैं आज वीडियो तो बना के लाया हूँ चौक पे की, पर भाई बिल्कुल चुपके चुपके बना के लाया हूँ। तो आप लोग बताना है वो वीडियो डालूँ या ना डालूँ, आप लोग बताना ज़रूर कमेंट्स में, ठीक है भाई। आप वो बताना ज़रूर, क्योंकि यार तीन ही शॉट ले पाए, एक 5 सेकंड की, एक 10 सेकंड की और एक 12 सेकंड की वीडियो, क्योंकि यार मैं आपको अच्छा नहीं लगा था कि वहाँ वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी और मुझको बुरा लग रहा था कि मैंने किसी से पूछा भी नहीं था, कभी वो डांट दे भाई मेरे कबूतर की वीडियो कैसे बना रहा है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। सीलमपुर चौक पर गया था भाइयों, मैं सीलमपुर जो कबूतर मार्केट है, सीलमपुर मार्केट गया था और वहाँ पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करी थी, बट मैं वीडियो बना के लाया हूँ भाई। तीन ही क्लिप बताता रहा हूँ, एक 10 सेकंड की और एक 6 या 5 सेकंड की और एक और 12 सेकंड की वीडियो है, तीन क्लिप ले पाया हूँ। तो बताना ज़रूर भाइयों उस वीडियो को आपको दिखाऊँ या ना दिखाऊँ। सो अगर आप लोग कमेंट्स करोगे और कोई मेरा भाई देख रहा हो सीलमपुर चौक वाला जो कबूतर मार्केट जाता हो, तो भाई अगर वो अपने कबूतर लाता हो तो अगले संडे को मैं ज़रूर जाऊंगा, और भाई कमेंट जरूर करना, तो मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। सीलमपुर जो मार्केट है कबूतर मार्केट, उसकी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि सब लोग लाल किले मार्केट की वीडियो बनाते हैं जामा मस्जिद की, मैं सीलमपुर चौक की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है भाई। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। तो भाई मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।